नाज़रीन, बदबख्त ने अपने हाथों से जन्नत उजाड़ दी। लाहौर के इलाके लियाकतआबाद में बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। 45 साल शहजादी बीबी को बेटे ने फायरिंग करके कत्ल किया। ये खबर आपको दे रहे हैं लाहौर से, जहां पर बदबख्त बेटे ने अपने हाथों अपनी जन्नत उजाड़ दी। इसी पर मजीद बात करेंगे। मलिक मुश्ताक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक मुश्ताक, बताइएगा, पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई की गई और ये मामला आखिर है क्या? जी बिल्कुल, लाहौर के लियाकतआबाद का ये वाकया है कि बदबख्त नाफरमान बेटे ने अपने हाथों से अपनी जन्नत उजाड़ ली, अपनी मां को कत्ल कर दिया। असल माजरा ये है कि ये बेटा अहमद नामी बेटा है जो आइस का नशा करता है और रोजाना की बुनियाद पर अपनी मां से नशे के लिए पैसे मांगता था। आज दोबारा से जब मां से पैसे मांगे और मां ने पैसे देने से इनकार किया, जिस पर तलक कलामी हुई और उसके बाद बदबख्त अहमद नामी बेटे ने अपनी शहजादी नामी 45 साल शहजादी, जिसकी मां थी, जिसने पैसे देने से मना किया, इसने फायरिंग करके मां को मौत के घाट उतार दिया और फौरी तौर पर वहां से भाग गया। जब हमारी बात हुई एसपी मॉडल टाउन से तो उनका ये कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक चूंकि इस केस में बेटे ने मां को कत्ल किया है तो अभी तक हमें दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। जो ही दरख्वास्त मौसूल होगी तो फौरी तौर पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बहरहाल पुलिस की एक बड़ी नफरी यहां पर पहुंच चुकी है जो कि जिन्होंने शहजादी की लाश को कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। जी ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बदबख्त ने अपने ही हाथों अपनी जन्नत उजाड़ दी। लाहौर के इलाके में यह वाकया पेश आया है लियाकतआबाद में, जहां पर बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। 45 साल शहजादी बीबी को बेटे ने कत्ल करके फायरिंग की।